बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को, जो कि जिन भाइयों के वीज़े स्टैंप नहीं हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर, नहीं भी अभी हो रहे हैं। ये भी ऐसा अभी सिस्टम है कि वीज़े सऊदी एम्बेसी क्यों नहीं लगा रहे, वजह क्या है। बहुत सारे ये क्वेश्चन भी करते हैं, सवाल भी करते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए होते हैं और एजेंटों को बार बार ये पूछते हैं, सुबह नहीं तो शाम, शाम को नहीं तो अगले दिन, ये रात तक मैसेज होते रहते हैं एजेंटों को, यार हमारा वीज़ा अभी तक लगा कि नहीं, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, कब लगेगा, कितने दिनों में लगेगा, क्या वजह है, क्यों नहीं लगता, क्या वजह है। ये सारे सवाल जो कई भाई जो हैं एजेंट कभी फ़ोन उठाते हैं, कभी नहीं उठाते, कितने परेशान हो जाते हैं, एजेंट भी परेशान है। लेकिन इसके अंदर एजेंटों की कोई भी गलती नहीं है, ये सिर्फ जो भी है ना सऊदी एम्बेसी की तरफ से है। मतलब मिसाल के तौर पर देता हूँ, क्योंकि एजेंट है वो एक दिन में 10 वीज़े भेजता जाता था, 10 वीज़े भेजता था एम्बेसी के अंदर, तो उनके वीज़े अभी लग रहे हैं 2, इस वजह से उनके वीज़े लेट लग रहे हैं। और जो पर्सनल वीज़ा है, कुछ ऐसे पर्सनल विजिट वीज़ा है ना, जो उसके बारे में कुछ दोस्त ऐसे सवाल हैं उनके कि यार हमसे एजेंट इजाफी पैसे ले रहे हैं, तो क्या वजह है, वो क्यों पैसे इजाफी हमसे लिए जा रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँ भाई जान। वो एजेंटों का मसला है, एजेंट पैसे लेते देते हैं, वो इस तरीके आपके वीज़े लगवाते हैं, तो जो हकीकत है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में ऐसा चल रहा है कि एजेंट पैसे दे देते हैं और आपका वीज़ा लगवा रहे हैं। तो बाकी जो है वर्क वीज़ा, उनकी वाकई डिले है या को उनके ऊपर एग्जेप्शन लग जाता है, कोई भी ऐसा मसला हो जाता है जिस वजह से उनका वीज़ा लेट हो रहा है, तो वीज़ा सिर्फ एक ही रीज़न है लेट लगने का और ना लगने का, कि जो उस एजेंट के 20 वीज़े जा रहे थे या 10 वीज़े जा रहे थे, उनके वीज़े अभी इस वजह से लग नहीं रहे कि उन्होंने जो पहले 10 वीज़े भेजते थे उनके 2 वीज़े लग रहे हैं या 3 वीज़े लग रहे हैं, इससे ज़्यादा वीज़े नहीं लगते, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी तो मैं ज़रूर उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करूँगा। और बहुत सारे जितने भी सवाल करते हैं दोस्त भाई, तो यही रीज़न है, इसके अलावा अभी तक कोई रीज़न नहीं है, कोई नया रीज़न, कोई परेशानी आएगी तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर लाइव शेयर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक दीजिए मोहम्मद। क्या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीज़ा स्टैंपिंग के बारे में कोई भी सऊदी अरेबिया इन्फॉर्मेशन, वीज़ा इन्फॉर्मेशन, काम की इन्फॉर्मेशन, चलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।